वॉज फर्स्ट हिंदू, ही हैज लेटर कन्वर्टेड हिंदी में, सॉरी ओके ओके उर्दू में। तो वो क्या है, पहले क्रिश्चियन थे। आपने कहा वो गैर मुस्लिम उर्दू जानता है, हिंदी जानता है, और आप सवाल पूछे अंग्रेजी में, उनको सवाल तो समझने दो, बराबर ना। आपने कहा कि वो हिंदी जानते हैं तो हिंदी में सवाल कीजिए, मेरी अंग्रेजी और अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन हम जो सवाल जवाब कर रहे हो गैर मुसलमान के लिए कर रहे, तो आप हिंदी या उर्दू में पूछिए। सर इनका सवाल ये है कि मैंने उनको बोला कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारे आलमों के लिए आए हैं, लास्ट पैगंबर है, इज अ सील ऑफ प्रॉफिट्स। तो आप बोले कि मैं उनको समझा के बाइबल में, यानी आप ही के, मैं QTV पे प्रोग्राम देखता हूँ और उसी का मैं इनको समझाया, तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि ऐसा बाइबल में किधर है कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आए, वो पूरे आलम के लिए नहीं है, जबकि पूरे दुनिया में क्रिश्चियंस है, तो सिर्फ क्रिश्चियंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई साहब का सवाल है कि मैंने कहा कि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए और सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। तो वो ये पूछते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए थे। मैं पहले कुरान मजीद का हवाला दूंगा। कुरान में कहा गया है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49, सूरह इमरान चैप्टर 3 वर्स 49, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। ये लिखा है कुरान मजीद में सूरह सफ में भी सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए आए थे। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ईसाई है, कुरान मजीद में शायद नहीं माने, नो प्रॉब्लम। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने अपोसल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स के मानी है नॉन जूज, यहूद के अलावा, अगर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उन्हें कहते हैं जेंटाइल्स। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने शागिर्दों से, अपोसल से, गो ई नॉट इन टू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, एंटर ई नॉट इन टू द सिटी ऑफ द सैमरिटीन्स, बट रादर गो टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इसराइल। आप गैर यहूद लोगों के पास मत जाओ, उनके शहर में मत जाओ, एंटर मत करो, लेकिन रादर गो टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इसराइल, उनके पास जाओ जो यहूद लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, जो यहूदी लोगों में से जो भटक गए हैं अपने दीन से, उनके पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, आई हैव नॉट बीन सेंट बट टू द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ इसराइल, मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ वो यहूदी लोग के लिए जो भटक गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदी के लिए आए थे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, खुद भी यहूद के लिए आए थे, यहूदी लोगों के लिए आए थे, और कहा अपने साथियों से भी कि आप सिर्फ यहूदी के पास जाओ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।